Hello friends, welcome to MS Maths. In this video we are going to discuss about some topics and some definitions of sphere. तो यहाँ पे सबसे पहले हम टॉपिक लेते हैं प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट. जो प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट है वो उसका मतलब क्या होता है कि ये है लोकस है जो भी टेंजेंट्स जो लाइन होती है ना या फिर कॉन्टैक्ट जो टेंजेंट्स प्लेन होते हैं उन टेंजेंट्स प्लेन की जो भी लाइंस होती है उनका जो लोकस होता है उसको हम कहते हैं प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट. जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एक फिक्स पॉइंट है यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं ए फिक्स पॉइंट है. ए फिक्स पॉइंट से यहाँ पे ये देखो ये सारे क्या है प्लेन्स है. इनको हम क्या कहेंगे टेंजेंट प्लेन कहेंगे. टेंजेंट प्लेन का मतलब क्या है कि ये किसी ना किसी यहाँ पे देख सकते हैं ये टेंजेंट प्लेन है. ये टेंजेंट प्लेन का मतलब यहां पे ये किसी पॉइंट पे इसको टच कर रहे हैं. ओके आप यहां पे देख सकते हैं दिस इज द टेंजेंट प्लेन और ये रही टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन जिसका हमने प्रीवियस वीडियो बना रखा है. देन इन सब प्ले जो भी इन सब जो टेंजेंट प्लान्स हैं इन टेंजेंट प्लान्स का जो लोकस होगा उसको हम क्या कहेंगे प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट. तो इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं अ प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ स्फीयर इज अ लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ टेंजेंट. तो क्या जाएगा स्फीयर कॉन्टैक्ट ऑफ स्फीयर प्लेन कॉन्टैक्ट ऑफ स्फीयर इज अ लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ जो उस पॉइंट का लोकस है उस बिंदु का बिंदुपथ है जो उस पॉइंट का लोकस है जो कि टेंजेंट प्लेन के थ्रू जो है वो गिवन पॉइंट उसके थ्रू यहाँ से निकलता है. यानी कि ए पॉइंट है उससे पासिस उससे जो पास होने वाले या उससे निकलने वाले उसके थ्रू निकलने वाले जो भी प्लान्स है उन पे अगर कोई पॉइंट हम वेरिएबल रखते हैं तो उनका जो लोग उस पॉइंट का जो लोकस होगा वो किसके इक्वल होगा प्लेन यानी उसके जो उसका प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट के इक्वल होगा. देन बात करते हैं कि इसका हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं एक पॉइंट पी है जिसमें हमने एफ जी एच यहाँ पे हमने एक उसके जो कोऑर्डिनेट अगर वो लेते हैं या फिर अल्फा बीटा गामा लेते हैं और ए पॉइंट है इसके हम यहाँ पे ले लेते हैं अल्फा बीटा एंड गामा. तो इसकी जो इक्वेशन होती है ना वो एक्स अल्फा प्लस वाई बीटा प्लस जेड गामा ओके प्लस ये हो जाएगा यू अल्फा प्लस एक्स प्लस वी बीटा प्लस वाई प्लस डब्ल्यू गामा प्लस जेड प्लस डी इज इक्वल टू जीरो ये हो जाता है इसकी इक्वेशन. बस जो प्लेन की इक्वेशन है ये देख सकते हैं यहाँ पे ये टेंजेंट की कंडीशन है और जो प्लेन की इक्वेशन है वो प्लान की इक्वेशन के इक्वल ही इसकी इक्वेशन होती है. ओके नाउ हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की और नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है पोल एंड पोलर प्लान ऑफ स्फीयर. ओके प्लान की स्पेलिंग गलत होगी पी एल ए एन ही होता. ओके हम यहाँ से बात कर रहे हैं पोल एंड पोलर प्लान ऑफ स्फीयर. तो पोल एंड पोलर प्लान ऑफ स्फीयर का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हम देखते हैं कि जो भी एक पॉइंट है जैसे यहाँ पे मैंने एक जो डायग्राम है वो बना रखा है. इस डायग्राम हम क्या कहते हैं कि इफ अ लाइन पासिस थ्रू अ पॉइंट एक लाइन जो है वो एक पॉइंट ए से पास हो रही है एंड वो पी एंड क्यू पे क्या कर रही है इंटरसेक्ट कर रही है स्फीयर को. देखो यहाँ से इफ अ लाइन पासिस थ्रू अ पॉइंट इंटरसेक्ट्स पॉइंट पी एंड क्यू एट स्फीयर एंड आर इज द पॉइंट एट लाइन दैट जो R एक पॉइंट है उस लाइन पे स्थित है. तो उस टाइम पे ये क्या कह रहा है कि AP, AR एंड AQ जो तीनों डिस्टेंस है वो किस में होगी HP में होगी जो उसकी हार्मोनिक सीरीज है उसमें होनी चाहिए हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होनी चाहिए. तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा यहाँ से कि जो AP है वो किसके इक्वल है 2AP into AQ अपॉन ये हो जाएगा यहाँ पे AP प्लस AQ. ओके दिस इज अ हार्मोनिक मीन यहाँ पे हम ये जो है हार्मोनिक मीन के इक्वल है. तो इनको हम क्या कर रहे हैं जब थ्री पॉइंट होता है उनका हार्मोनिक मीन हम इस टाइप से फाइंड करते हैं. तो यहाँ पे ये जो तीनों पॉइंट्स होते हैं ये जो तीनों डिस्टेंस है यहाँ पे यहाँ से मैंने इसको यहाँ पे ड्रॉ भी किया है AP AR एंड AQ जो तीनों डिस्टेंस है वो किस में है HP में है ये हो जाते हैं इसकी इक्वेशन. तो वो जो पॉइंट होगा वो उसका पोल होगा. तो यहाँ पे भी क्या होता है हम A पॉइंट ले रहे हैं A पॉइंट यहाँ पे इक्वेशन अगर बात करते हैं तो वो भी इक्वेशन जो है इसकी भी यही आएगी X अल्फा प्लस Y बीटा प्लस ये हो जाएगा जेड गामा प्लस ये हो जाएगा टू ओके टू नहीं होगा यहाँ पे यू एक्स प्लस अल्फा प्लस वी वाई प्लस गामा ये हो जाएगा बीटा एंड डब्ल्यू जेड प्लस गामा प्लस ये हो जाएगा डी इज इक्वल टू जीरो. ओके तो ये भी है ये हो गई इसकी इक्वेशन. देन हम बात करते हैं यहाँ पे पोल की. तो प्लान ऑफ जो उसका पोल ऑफ प्लान है यानी कि जो समतल का जो पोल है वो क्या होता है. तो वो फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा एक हम यहाँ पे स्फीयर लेते हैं इसके हमको थोड़ी सी कंडीशन वगैरह कैसे फाइंड करते हैं. अगर आपको यहाँ पे गिवन होता है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड अगर आपको इस टाइप का कोई प्लान गिवन है और स्फीयर जो है वो गिवन है स्फीयर हम भी लेट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर
इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इस टाइप का आपको स्फेयर की इक्वेशन क्या गिवन है और एक प्लान की इक्वेशन गिवन है। अब इस स्फेयर के अक्रॉस आपको पोल फाइंड करना है, पोल ऑफ प्लान इस जो गिवन इक्वेशन है उसके अक्रॉस आपको जो स्फेयर के लिए फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अल्फा बीटा यहाँ पे लेट कर लेते हैं, जो भी एक कोई भी एक पॉइंट है कोऑर्डिनेट है उसके थ्रू हम यहाँ पे लेट करेंगे, जो अल्फा बीटा एंड गामा हम यहाँ से क्या कर लेते हैं लेट कर लेते हैं। अब हमको क्या करना है, आर के कोऑर्डिनेट को लेट कर लिया हमने यहाँ पे, देन हमको क्या करना है कि जो एक्स है उसको मैं लिख लेता हूँ एक्स एक्स इस वाली इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर वन को, फिर इसको क्या लिख दिया यहाँ से वाई इंटू वाई, फिर क्या लिख दिया जेड इंटू जेड इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब ये जो पॉइंट्स है ना अल्फा बीटा गामा वो उस स्फेयर पर भी तो होंगे ना, तो स्फेयर पर भी है इसलिए हम इसको क्या लिख रहे हैं, वो भी इसको क्या करेंगे सेटिस्फाई करेंगे, देन एक्स अल्फा प्लस वाई बीटा प्लस जेड गामा इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा इसके इक्वल हो जाएगा। देन अब आपको क्या करना है कि जो लाइन है पोल ऑफ प्लान, तो आपको लाइन है उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, तो लाइन की इक्वेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं, लाइन की इक्वेशन होती है अल्फा अपॉन ये होता है ना एक्स माइनस अल्फा, तो हम उसको ओरिजिन लेट कर रहे हैं और इक्वेशन नंबर वन और टू से, या फिर हम क्या कह सकते हैं इक्वेशन नंबर वन एंड टू से हम इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये हो जाएगी हमारी, इसको मैं इक्वेशन टू लेट कर लेता हूं, इसको इक्वेशन इलेवन लेट कर देता हूं, तो इक्वेशन नंबर वन एंड थ्री से हम क्या लिख सकते हैं अल्फा अपॉन एल प्लस क्या लिख सकते हैं बीटा अपॉन एम प्लस क्या सॉरी इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू होगा इज इक्वल टू बीटा अपॉन एम इज इक्वल टू गामा अपॉन एन इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन पी। तो हमें क्या कर रहे हैं इसका कंपैरिजन कर रहे हैं, ऑन इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू का कंपैरिजन करते हैं, तो इस टाइप से हमको ये वाली इक्वेशन मिलती है। देखो एक्स और एक्स के कॉफिशियंट का मल्टीप्लाई सॉरी उसको उसका डिवाइड ले रहे हैं, फिर इसका डिवाइड ले रहे हैं, नहीं इसका रेशियो ले रहे हैं, वेयर हम क्या लिख सकते हैं वेयर अल्फा इज इक्वल टू एल ए स्क्वायर अपॉन पी। आप देखो इसको और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास में अल्फा की वैल्यू आएगी, फिर इसको और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो उसको आपके पास में बीटा की वैल्यू आएगी एम ए स्क्वायर अपॉन पी, ओके एम ए स्क्वायर अपॉन पी, देन यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ गामा, गामा इज एन ए स्क्वायर अपॉन पी। तो इस टाइप से आप ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कॉन्जुगेट पॉइंट्स। अब कॉन्जुगेट पॉइंट्स को आप इस डायग्राम से ये जो डायग्राम दिया उसके थ्रू समझ सकते हैं, कुछ की डेफिनेशन याद रखनी है। इफ पोलर प्लान ऑफ अ पॉइंट इज पासिस थ्रू अनदर पॉइंट, तो एक पॉइंट है उसका जो पोलर प्लान है वो अगर किसी दूसरे पॉइंट से भी गुजरता है उससे पास होता है तो हम क्या कहेंगे कि वे दोनों पॉइंट जो होंगे वो क्या होंगे कॉन्जुगेट पॉइंट्स होंगे, जिसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिख रखी है। देन हम बात करते हैं कॉन्जुगेट प्लान्स की। कॉन्जुगेट प्लान भी ऐसा ही है कि द पोल ऑफ अ पोलर प्लान इज लाइज ऑन अनदर प्लान, एक किसी प्लान का अगर आपके पास में पोल अगर दिया हुआ है उसका पोल जो है वो किसी दूसरे प्लान पे लाई करता है, दूसरे प्लान पे स्थित होता है, तो जो वो प्लान होगा वे दोनों प्लानों का आपस में जो रिलेशन होगा उसको हम कहेंगे कॉन्जुगेट प्लान्स। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे पोलर लाइंस। व्हाट इज पोलर लाइंस, इफ अ पोलर प्लान इफ पोलर प्लान ऑफ ऑल पॉइंट ऑफ अ लाइन, एक लाइन का कोई भी जितने भी पॉइंट है, एक लाइन के जितने भी पॉइंट है उन लाइन के जो पोलर प्लान्स है ना, उन लाइन के जो पोलर प्लान्स है वो किसी दूसरी लाइन्स पर है, वो क्या है किसी दूसरी लाइन पर स्थित हैं या दूसरी लाइन से पास होते हैं, तो उन दोनों लाइन्स को हम क्या कहेंगे पोलर लाइन्स। तो ये जो डेफिनेशन है वो आपको याद करनी होगी, बस मैंने आपको इसका मीनिंग जो है वो समझा दिया है और आज हमने यहाँ पे तीन चार टॉपिक कवर करने की कोशिश की है। सो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा वीडियो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग एम एस मैथ्स एंड सब्सक्राइब द चैनल एम एस मैथ्स।